Good morning, dear students. Hope you all must have understood how you need to do your English work. As I have given you some instructions yesterday in the video, and I have also told you how you are going to do your work. And I also hope from each and everyone have completed their homework. So children, today I am going to explain you the first chapter of your reader book. It is a poem named The Stream. I think you might be knowing what a stream is. You might have heard this word stream, lakes, ponds, oceans, rivers. So today I am going to explain you about this poem that is given as first chapter in your reader book. The Stream. It is written by Anonymous. Yesterday, children, I have sent you the central idea of this poem. So what is central idea? Central idea ka matlab hota hai ki exactly what the poem is all about. So today I am going to explain. First I will explain you the central idea, and then I will discuss the summary of your this poem, The Stream. So let's start with the central idea, that is poem review. The stream moves all through the day and night. It is unmoved by the changes that takes place around it and moves on forever. It can teach us a lesson of life. So here children, jo stream hai wo हमेशा चलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो. इट इज अनमूव्ड, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं ला सकता है, चाहे इसके आसपास इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, ये हमेशा बहती रहती है. इट मूव्स ऑन फॉर एवर, फॉर एवर एंड फॉर एवर, एंड इट ऑल्सो टीचेस अस अ लेसन ऑफ लाइफ. So I hope this poem review is clear to everyone. So let's start with this poem. I come from the glacier, I sparkle as I flow, and chatter all the way, I sing as I go. Down the steep ridges, under the rickety bridges. So here the stream itself is telling ki main kahan se aa rahi hu. I am coming from the glacier. Glacier means the mass of आइस फ्रॉम हाई माउंटेन रेंजेस, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, वहां से मैं बहती हुई चली आ रही हूँ. आई स्पार्कल एज आई फ्लो, और जब मैं बहती हूँ तो मैं बिल्कुल ग्लिटर्स की तरह शाइन करती हूँ. एंड चैटर ऑल द वे, एंड वो मैं जब बहती हूँ तो मैं बात करते हुए, हर किसी से बात करते हुए, अपने मेरे रास्ते में जो जो आ रहा है मैं हर किसी से बात करते हुए, मैं गाते गुनगुनाते हुए. जो आप स्टीप रिजेस हैं, स्टीप रिजेस, रिजेस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. रिजेस मीनिंग क्या होता है? अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप. जो आपकी पहाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां, जो जिनके बीच से निकलने की जगह नहीं होती, मैं वहां से भी जगह निकाल के, चाहे कमजोर से कम कमजोर ब्रिजेस हों, मैं हर जगह से आसानी से बहते हुए निकल जाती हूँ. तो ये सारा कॉन्वर्सेशन कौन कर रहा है? ये सारा कॉन्वर्सेशन स्ट्रीम कर रही है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. आई होल्ड आउट अ मिरर टू द सन एंड द मून, दे प्ले इन माय आर्म्स लाइक अ सर्कस बफून. एंड इधर जो स्ट्रीम है वो क्या बोल रही है कि मैं एक मिरर का काम कर रही हूं. किसके लिए? सन और मून दोनों के लिए. क्योंकि जो पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप उसके आर पार देख सकते हैं. तो जो सन और मून है, वो जो स्ट्रीम है, वो उनके उसके लिए क्या रोल प्ले कर रही है? इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मिरर. एंड जो सन और मून है, दे आर प्लेइंग इन द आर्म्स ऑफ द स्ट्रीम लाइक बफून्स. बफून्स मीन्स क्लाउन. जो सर्कस के क्लाउन होते हैं, बिल्कुल उनकी तरह खेलती है. जो उसके इमेजेस आप देखोगे, कभी आप पानी के अंदर, कभी रात में देखो, अगर आप मून की इमेज देखते हो तो पानी क्या है, पानी स्टिल तो होता नहीं है, हिलता डुलता रहता है. तो आप कभी इमेज देखोगे तो आपको इमेज भी
ऊपर नीचे नजर आती है। सेम वे सन के साथ भी होता है। तो जो स्ट्रीम है वो क्या बता रही है कि जो मून है और जो सन है दोनों किस तरह से खेल रहे हैं, बिल्कुल जोकरों के तरह उसके साथ खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मैन कम एंड गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, किंगडम्स राइज एंड फॉल, डू आई स्टॉप, ओ नेवर। जो इंसान है वो आएगा भी और चला भी जाएगा, है ना, क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं क्या है, हम जन्म लेते हैं उसके बाद हम मर जाते हैं। हमारी जो लाइफ है बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, हम अमर नहीं है। जो आया है वो जाएगा, ठीक है, बट आई गो ऑन फॉर एवर, जो स्ट्रीम है वो हमेशा चलती रहेगी। जो किंगडम्स हैं वो राज्य, जितने भी जो राज्य होते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो बनते भी हैं और गिर जाते हैं, लेकिन क्या मैं रुकती हूँ, ओ कभी नहीं, मैं चलती ही जाती हूँ। माई यूथ इज इटर्नल, माई मैजिक विल नेवर फेड, गो मेरिली आई मस्ट थ्रू द सन एंड द शेड। मेरे अंदर जो यूथ है वो इटर्नल है, इटर्नल का मतलब जो होता है फॉर एवर एग्जिस्टिंग, जो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा मैजिक वो कभी फेड नहीं होने वाला है, वो हमेशा रहेगा। गो मेरिली आई मस्ट, मैं बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ूंगी, चाहे धूप हो चाहे छांव हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है आगे बढ़ना और मैं आगे बढ़ते जाऊंगी बिना किसी रुकावट के। तो जो ये स्ट्रीम है ये हमें एक लेसन सिखाती है, हमें एक सीख मिलती है इससे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हमारे रास्ते में, हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोच लें कि हमें वो करना है तो हम उसे डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो आपकी जो ये पोएम है इसमें आपकी पोएम में एक मॉरल दिया हुआ है, Undaunted by the hurdles on the way, the stream teaches us to proceed relentlessly till the goal is achieved. तो ये जो स्ट्रीम है ये हमें क्या लेसन टीच करती है, ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी हर्डल्स आए हमारे रास्ते में, लेकिन मेरा काम क्या है, बहते जाना और तब तक बहना जब तक कि जो मेरा जो मेन गोल है वो अचीव ना हो जाए। तो आई होप ये पोएम एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया होगा। इन केस किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू कॉल मी अप एंड जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली, हैव अ नाइस डे।